हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आपको। तो महवेश बना रही है आज सुबह सुबह नाश्ता सुबह सुबह सारे बनाते हैं। हाँ। तो मैंने बोला चले नाश्ते और नाश्ते की वीडियो शेयर करते हैं। नाश्ते की वीडियो कल हो गए थे हम थोड़ा लेट, और किसी गांव से जाना था और हाँ। बारिश भी हो गई, जिसकी वजह से हम वीडियो भी नहीं बना पाए। आधी अधूरी वीडियो रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे महवेश बना रही है चौरस पराठे बनाने लगी है। तो वो शेयर करते हैं आपके साथ चौरस पराठे महवेश कैसे बनाती है। और यहाँ पे चाय, वो वाओ, चाय की तो अच्छी लग रही है। और आज मेरे बेटे की तबीयत भी नहीं सही लग रही है। एलेंस की तबीयत भी खराब हो गई, उसको फीवर हो गया। जी आ, जी अच्छा आ रहा हूँ। क्या कह, उसको पता नहीं क्या हुआ, चाय ऊपर उसको बुखार हो रहा है। तो आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। मौसम ऐसा हो रहा है, जहाँ जाते वहाँ बारिश होती ही नहीं है। पंजाब से यहाँ है, यहाँ पे हल्की फुल्की हुई है, काफी सारी जगह पे हो रही है बारिश, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। तो ये देखिए महवेश बना रही थी चौरस पराठे। और दुआ सो रही है, एलेंस उठ गया क्योंकि इसकी तबीयत आज ठीक है, वरना सुबह ये सुबह 6 बजे का उठा हुआ है, मोबाइल देख रहा मैं आपका। अच्छा, तो आप लोग प्रे कीजिएगा एलेंस की जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। चले फिर वो चाय देखना बोल नहीं। ये देखिए चौरस पराठे बन गए। अब ऐसे ही मैं तीनों को भी ऐसे कर दूंगा। चले इसको कर लो फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ। चले जी, यहाँ पे महवेश ने पराठे बना लिए, देखो चौरस पराठे बना लिए और एक ये 3-4 पराठे बनते हैं। हाँ, छोटी सी तुम्हारी फैमिली सुबह सुबह। ये तेरा क्यों हो गया? बस खैर है, कोई बात नहीं। तो ये बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। हाँ, ये भी चिकन जो बना रही। और यहाँ पे दुबा उठ गई है देखो, और ये भी उठ गया, और उठते सारी देखो अभी फ्रेश हो जाओ ना, ये फैन को जो है ना ढक्कन खोल देता है। और कुछ बोल रहे थे लोग आपके घर पे गंद बोल रहे, गंद का है पता नहीं, जिसको लगता है वो आज सफाई कर दे, मैं यही बोल रही। हाँ, वो जल्दी से आ जाए सफाई कर दे। हाँ। फिर इनको लग रहा। हाँ, ये दीवार है, ये बारिश की वजह से बहुत गंदी हो गई, बारिश के पानी की वजह से बहुत ये हो गई है गंदी। इसको मैं सोच रहा हूँ इतना जो है ना कलर कर दूँ किचन में, साफ हो जाए, बारिश की वजह से निशान पड़ गए। लेते अपना घर घर साफ रखो, घर साफ, और जिसको प्रॉब्लम है वो आके साफ कर सकता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम लोग वैसे भी 2 रूम वाला घर देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा घर आने जाने वाला है थोड़ा सा, इस बात से और तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये कि थोड़ा हाँ, तो 2 रूम वाला घर देख रहे हैं, बहुत इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा, और ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही मिल जाएगा हम लोग शिफ्ट कर देंगे, बस देखने जाएंगे हम लोग 1-2 दिनों में। हाँ, पहली तक बल्कि तो आपको पता है जल्दी थोड़ी मिल जाती है। हाँ, देखना स्टार्ट करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। हाँ, ये ऑयल बहुत लगाती है, मुझे पता चल गया, ऑयल इतना महंगा है, पता है वजीर आजम ने ऑयल इतना महंगा कर दिया। ये तो बात है भाई, मैं सोच रहा हूँ ये जो बारिश की वजह से खराब हुआ ना, इसको मैं कलर कर दूँ, कहीं से लेके आते हैं और इसको कर देते हैं। चलो जी, आखिरी पराठा है, पराठा नहीं, सूखी रोटी बनाने लगी थी, मैंने इसको भी ऑयल लगा दिया, चाय भी बन गई। हाँ, चाय भी बन गई। अभी बच्चों को फ्रेश कर लो फिर नाश्ता करते हैं। और एलेंस की तबीयत ठीक नहीं, वो रो रहा बेचारा आज, तो रो भी रहा है, वरना रोता नहीं इतना। हाँ, क्या अच्छा बस मेरी हो, कभी मोबाइल कभी कुछ। जब हम लोग घर चेंज करेंगे फिर ये भी चेंज कर देंगे, ये सेट। हाँ, मैं नया लेकर आऊंगी, ये तो भी ऐसे ही मैंने गुब्बारे के लिए रखा होगा। 2 रूम वाला बस दुआ करो जल्दी से घर मिल जाए हम लोग को। क्या हुआ, मेरा चीरा आ गया, चीरा आ गया, चल चल कर दो, दाल गरम कर लो।
ये देखो मैंने अपने बेटे के लिए क्या बनाया। ये दुआ बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है दुआ को, एलेंस को भी। ठंडे होने दो काका। काका बहुत गर्म है बेटा, गर्म हो रहे, ठंडे हो रहे। और यहाँ पे उठते सारी एलेंस को मोटू पतलू चाहिए। हाँ हम लोग तो करने लगे हैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ता हम लोग करते हैं नीचे बैठ के, नीचे बैठ के करते हैं, क्योंकि हमारे घर में डाइनिंग टेबल तो है नहीं, फिर लोग बोलेंगे नीचे बैठ के नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता हम लोग नीचे बैठ के करते हैं। और यहाँ पर पराठे भी आ गए हैं, बच्चों ने भी खा लिए, और यहाँ पर गाँव के साथ करेंगे नाश्ता, शायद भी आ गई। तो नीचे बैठ के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आराम से बंदा तसल्ली से बैठ के खा सकता है। ऊपर बेड पे बैठो तो बच्चे फिर चाय वाय, तो इंशाल्लाह जब हम घर चेंज करेंगे तो फिर डाइनिंग टेबल भी लेके आएंगे। हाँ, छोटा सा लेंगे, छोटा सा लेके आएंगे, चार चेयर वाला। क्यों दुआ है ना? दुआ भी नाश्ता कर रही है, दुआ ने बुग्गा भी धो लिया था ना बुग्गा। चले जी खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। सॉरी, चले जी यहाँ पे मैं भी फ्रेश हो गया, नाश्ता हमने कर लिया, ठीक है। अभी जो है ना नेक्स्ट व्लॉग जो है ना हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं, आउटिंग का मतलब बाहर का, कहीं आउटडोर जानेंगे, तो फिर देखते हैं क्या आज का नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वहाँ पे कौन सा होगा हमारा। तो इंशाल्लाह जो है ना हम लोग घर भी देख रहे हैं, तो घर भी बहुत जल्द हम लोगों को मिल जाएगा, और दो रूम वाला हम लोग को घर चाहिए, और फिर हम लोग कर देंगे चेंज। तो यहाँ पर मैं सर क्या हुआ उसको दवाई वाई दे दो ताकि थोड़ी देर बाद इसको सारा निकाल दे। टाइम हो गया जी यहाँ पे 10:30, इसकी वजह से जल्दी नाश्ता हो गया, वरना जब हम घर होते हैं तो नाश्ता हमारा होता है 12-1 बजे, ये सुबह से उठा हुआ है। चलिए जी आज का व्लॉग हमारा मॉर्निंग का था, कि मॉर्निंग की हमने रूटीन शेयर की आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा। वैसे मेरा ससुर भी आया हुआ है मिलने के लिए, वो कल से फोन कर रहा है, बुला रहे हैं मुझे, तो हो सकता है हम लोग वहाँ भी जाए और आपको मिलना। हाँ, आप लोगों को मिलता है। तो यूँ ही आप लोगों ने प्यार देते रहना है हमारे चैनल पर, यूँ ही सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अपनी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ ये निकालो, ऐसे काम नहीं किया करो, सही है दुआ। अल्लाह हाफिज़।